हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशिक टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन छात्रों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है, नहीं भरा का मतलब जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, और जिन छात्रों की VR सॉरी लिखी आ रही है। क्योंकि बहुत से छात्रों ने कमेंट करे कि सर VR सॉरी लिखा आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ वो कैसे सॉल्व होगा। और स्कॉलरशिप की डेट जो है बढ़ गई है, तो लास्ट डेट अब क्या है, कब तक जो है आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज वीडियो में दे दूँगा। तो चलिए एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू स्कॉलरशिप। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले न्यूज़, उसके बाद जो है आपको जो है आपके कमेंटों को उत्तर देंगे। चलिए दिखाता हूँ पहले आपको। तो यहाँ पर आप देख पाए जिन छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा है उनकी डेट बढ़ गई है। ठीक है ना, कितनी डेट बढ़ी है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो है प्री मैट्रिक जो होता है आपका 9th एंड 10th क्लास होता है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक आपका 10वीं में से 11th 12th आता है, जिसमें PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लास्ट डेट जो है 9th और 12th की जो है एक बार है, मीन्स 1 दिसंबर थी। ठीक है ना, लास्ट डेट। और यहाँ पर जो है 10 जनवरी थी इंटर और हाई स्कूल, इंटर और 11th वालों के लिए। ठीक है, और डिप्लोमा वाले और 10वीं इसी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म जो है, फॉर्म की जो है लास्ट डेट मीन्स कंप्लीट करने की, वो भी 10 जनवरी थी। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं 10वीं वालों के लिए। तो यहाँ पर देख पाए लास्ट डेट फॉर सब्टेक्शन हार्ड कॉपी की जो है 15 तारीख डेट थी, अब ये बढ़ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नई डेट। तो यहाँ पर आप देख पाए छात्रवृत्ति के लिए 20 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। तो दिखाऊँ आपको कि क्या क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है, किस कारण जो है बढ़ी है। तो यहाँ पर आप देख पाए केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की योजना को मेरिट लिस्ट मीन्स छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की तारीख 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि VD मिशन के निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्रथम स्तर पर सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 5 फरवरी रहेगी। ठीक है, इसके लिए अलावा दूसरे स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि जो है 20 फरवरी पर निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, क्योंकि बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि सर हमारा जो है स्कॉलरशिप नहीं भरा जा रहा है, VR सॉरी लिखा आ रहा है। तो वो सभी डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि बहुत से छात्रों का मैंने ही फॉर्म भरा था। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से छात्र जो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उनका फॉर्म मैंने ही भरा था। तो आप देख लीजिएगा, नई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करके कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।